हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस मौन सत्याग्रह करेगी। गांधी अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष ये सत्याग्रह किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम होगा। कोरोना गाइडलाइन का यहां पर विशेष ख्याल रखा जाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जिला इकाइयों को इस बाबत निर्देश दे दिए हैं। जयपुर में भी शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में सत्याग्रह में शामिल होंगे। हाथरस मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। पूरे देश में लोग जो हैं वो रोष में हैं और इसी को लेकर कांग्रेस मौन सत्याग्रह करेगी। गांधी अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया जाएगा और सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम होगा। कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा और इस बाबत निर्देश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला इकाइयों को दे दिए हैं। जयपुर में भी शहीद स्मारक पर यह मौन सत्याग्रह होगा और खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में सत्याग्रह में शामिल होंगे। इस पूरे मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है और इसी को लेकर अब आवाज लगातार उठाई जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि देखिए, अब पूरे देश भर में आवाज उठाई जा रही है, मौन सत्याग्रह होगा। साथ ही इस आंदोलन की तो खास बात यही कि मौन ये पूरा सत्याग्रह होगा, किसी तरीके से जो हंगामेदार है वो नहीं होगा, कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाएगा। देखिए मनीषा, आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई बालिका के साथ गैंगरेप और हत्या की, उसके बाद से पूरे देश भर में लगातार इस बार का विरोध हो रहा है। सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने गए थे तो उस समय उनको हालांकि एक दिन रोक दिया गया था और दूसरे दिन 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन जिस तरह का बर्ताव उनके साथ रहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार यूपी पुलिस की ओर से किया गया, उसके विरोध में और सरकार की जो कार्यप्रणाली रही कि बालिका की मौत के बाद शव को रात को ही जला दिया गया, घर वालों की परमिशन नहीं ली, घर वाले वहां पर मौजूद नहीं थे, परिजनों को बिल्कुल संतुष्ट नहीं है आज भी, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज 2 घंटे का मौन सत्याग्रह कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिए गए एनसीसी की ओर से, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिला इकाइयों को ये निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठकर 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करेंगे और इसके माध्यम से यूपी सरकार की जो रवैया है, जिस तरह से कार्यप्रणाली रही, बालिका के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं दिला पाई सरकार और जिस तरह से परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके विरोध में 2 घंटे का मौन व्रत करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया पुलिस ने, प्रियंका गांधी के साथ किया, तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर आज 2 घंटे का यह मौन व्रत रखेगी। जयपुर में भी शहीद स्मारक पर 2 घंटे का यह मौन सत्याग्रह होगा। इसमें जो कई मंत्री हैं उसके साथ ही जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में है तो वो सीकर में ही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। मनीषा जी, दिनेश, और भी कई मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं तो वो भी वहीं से इस मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से बचाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया, प्रभारी अपने जिलों में जाकर इस अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, 1 करोड़ मास्क वितरण करने सरकार ने लक्ष्य रखा है तो मास्क वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। तो प्रभारी मंत्री, कुछ मंत्री जो जिले का दौरा कर चुके हैं, कुछ मंत्री अभी भी अपने जिलों के दौरे पर हैं, तो वो मंत्री अपने जिलों में ही, प्रभार वाले जिले में ही इस मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो सीकर में शामिल होंगे, परिवहन मंत्री जिला अध्यक्ष हैं जयपुर के वो जयपुर में शामिल होंगे, जो प्रभारी मंत्री अभी प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं तो वहां पर वो शामिल होंगे। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो प्रभारी मंत्री हैं जो अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं वो वहां से ही सत्याग्रह में शामिल होंगे और साथ ही गैंगरेप मामले को लेकर ये मौन सत्याग्रह कांग्रेस करेगी। 2 घंटे का गांधी अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया जाएगा।